हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी डिश है पानी पूरी। पानी पूरी वैसे तो सभी का फेवरेट होता है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण हम बाहर की पानी पूरी प्रिफर नहीं करते हैं। अगर हम घर में बनाते हैं तो हमें बाजार जैसा टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं घर जैसी पानी पूरी बनाने का आसान तरीका। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सभी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं पानी पूरी बनाने। पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप सूजी, 1/2 कप मैदा, 1/4 टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 ग्लास हॉट वाटर, 1/4 ग्लास और थोड़ा ठंडा हो जाने पे इसका हम डो रेडी करेंगे। इसका डो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। इसी तरीके से हम सभी आटे की गोलियां बना लेंगे। सभी आटे की गोलियां रेडी हो चुकी हैं। इसमें हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियां बेलेंगे। इस तरीके से हमने सभी पूड़ियाँ बेल ली हैं और इसको हम 12-15 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। पूरी बनाने के दूसरे तरीके के लिए हम यहाँ एक रोटी बेलेंगे और किसी भी गोल चीज़ से उसकी कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ कॉफ़ी बॉटल के ढक्कन का यूज़ किया है। कटिंग हो जाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट हटा देंगे और इसे 15 मिनट्स के रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल तेज़ गरम हो जाने पे हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और पूड़ियों को तलना स्टार्ट करेंगे। हमारी सभी पूड़ियों ने फूलना शुरू कर दिया है। पूड़ियों के फूलने पे हम उसे पलट कर देखेंगे। इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। यहाँ हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी पूरियां बिल्कुल बाजार जैसी कुरमुरी हैं। पानी बनाने के लिए हम पुदीना लेंगे। अदरक की स्लाइस लेंगे। हरी मिर्च लेंगे। हरा धनिया लेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड होने के बाद इसे हम एक बाउल में डालेंगे और इसमें थोड़ा ठंडा पानी ऐड करेंगे।
फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्ची पाउडर, जलजीरा पाउडर, नमक, पानी पूरी पाउडर और लेमन जूस। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे छान लेंगे। छानते टाइम जो मोटा पेस्ट बचेगा उसे हम संभाल के रखेंगे। बूंदी ऐड करेंगे। हमारा पानी पूरी का पानी है बिल्कुल रेडी है। आलू का मसाला बनाने के लिए हम बॉइल्ड आलू लेंगे और उन्हें चॉप कर लेंगे। चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। पानी बनाते टाइम जो पेस्ट बचा था उसे ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से हमारा आलू का मसाला रेडी है। पानी बनाते टाइम हमने जिन चीज़ों को ब्लेंड किया था उन्हीं में हमने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड करके हरी चटनी रेडी कर ली। धीमी धीमी चटनी बनाने के लिए हम एक बर्तन में पानी बॉईल करेंगे और उसमें गुड़ ऐड करेंगे। इमली ऐड करेंगे। थोड़ी शुगर ऐड करेंगे और अजवाइन ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा नमक ऐड करेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। हमारी चटनी गाढ़ी होती जा रही है और इसी तरीके से हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी पानी पूरी के सभी आइटम बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं दिखने में ही कितने टेस्टी और बिल्कुल बाजार जैसे हैं। पानी पूरी बनाने के सभी इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी मैंने वीडियो के लास्ट में शेयर कर दी है, आप उसमें देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।